हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, सेकेंड ईयर फिजिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो देखेंगे। हमने इसके हाफ शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट वन इसके पूरा कवर कर लिया था, हाफ शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 तक। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ये पिंक भी इधर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देखते हैं। तो आप बुक रख लें और बुक से आप रीड करें साथ, और फिर इसका आंसर इधर से अगर नोट करना तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। अच्छा, वो कहता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी मेटल है, इसके ऊपर अगर लाइट ऐसे पड़ी। अब हमें पता है कि लाइट का शाइन करने का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर लाइट मारनी है। लाइट मारने ये नहीं है टॉर्च पकड़ के ऐसे मारनी है, लाइट मारनी है, लाइट फेंकनी है, जैसे इस वक्त बोर्ड पर लाइट आके गिर रही है। ये लाइट जब आप उसके ऊपर फेंकेंगे तो आपको पता है कि लाइट तो होती ही नहीं है कुछ, असल में तो ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स मीन पार्टिकल्स हैं, और इसके अंदर मेटल की जो सरफेस है इसके ऊपर भी तो पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर हमने कहा भी वो कौन से पार्टिकल है, उसने कहा सर जी एटम, अगर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैंने कहा हाँ। तो आगे क्वेश्चन में वो कहता है कि क्या मोमेंटम ट्रांसफर होगा मेटल सरफेस को। जाहिर सी बात है कि वो पार्ट जो फोटोन है वो आकर जब इंट्रैक्शन लेगा तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, अंदर पड़े हुए पार्टिकल, वो मेन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर किया इसका मतलब है कि साथ क्या ट्रांसफर किया होगा, मोमेंटम। यस, मोमेंटम इज ट्रांसफर टू दी मेटल सरफेस। तो आंसर क्या बनेगा, यस मोमेंटम इज ट्रांसफर टू मेटल सरफेस। अब किसी ने पूछा भाई एग्जांपल तो दसो कि भाई एग्जांपल क्या होगी इसकी, इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी है कि ये जो इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका है जी, ये इसकी जिंदा जागती एग्जांपल है कि जब आकर इसके ऊपर क्या पड़ा था, लाइट पड़ी थी तो इधर से क्या निकला था इलेक्ट्रॉन जो कि फिर सर्किट में मूव करना शुरू कर गया था। तो ये इसकी एक जीती जागती एग्जांपल भी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, व्हाई कैन रेड लाइट बी यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन डेवलपिंग दी फिल्म्स बट ब्लू लाइट और वाइट लाइट कैन नॉट। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपका जो फोटो, ये हम चले जाते हैं बहुत बहुत पुराने ज़माने में, जब वो कैमरे होते थे, वो फिल्म्स होती थी, फिर वो डिवेल्प होने जाती थी, डिवेल्प हो गया आपको कागज़ पे फिल्म वो इमेज बनती थी, तो ये उस ज़माने की बात कर रहा है। कहता उस ज़माने में आपने देखा होगा, वो अक्सर मूवीज़ में भी देखते हो, जब फिल्में डिवेल्प होती थी तो उस रूम में ना रेड कलर की लाइट होती थी। वो कहता अभी ब्लू कलर की लाइट या ये जो वाइट लाइट है ये क्यों नहीं होती थी। उसके पीछे हमारा कल वाले स्पेक्ट्रम जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसकी वो कहानी है, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम था विजिबल का, इसके अंदर इस साइड पे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, और आपको फार्मूला पढ़ा है, पता है इज इक्वल टू एच एफ, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। अब हमें पता है कि हम कम से कम एनर्जी वाली लाइट जो देख सकते हैं ना वो सबसे कम फ्रिक्वेंसी, और इधर किसकी है रेड की, हम रेड को देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लेट्स सपोज ब्लू यूज़ करता हूँ तो ब्लू की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि जो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म है लेट्स सपोज ये है जिसको आपने डेवलप करना है, ये लाइट इसके ऊपर पड़कर उसके पार्टिकल्स को मोमेंटम ट्रांसफर कर दे, एनर्जी ट्रांसफर कर दे, जिसकी वजह से वो जो उधर पार्टिकल्स हैं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाए। डिस्टॉर्ट ना होने से आपकी फिल्म क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और जो डेवलपिंग इमेज बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, या क्लियर इमेज ब्लरी इमेज बनेगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी। दूसरा, वाइट लाइट क्यों नहीं करते, क्योंकि वाइट लाइट तो इन सब का एक मुरब्बा बना हुआ है, तो ये सारे का सारा जब गिरेगा तो जाहिर सी बात है इंडिगो भी होगा वायलेट भी होगा, तो ये तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी का, तो ये फिल्म को बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डैमेज। तो इज इक्वल टू एच एफ के मुताबिक इसलिए हम रेड को प्रेफर करते हैं बनिस्बत के ब्लू या वाइट के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या, फोटोन ए हैज़ अ ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटोन बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। लो जी हमारे पास है जी दो फोटोन, फोटोन ए एंड बी। तो जो फोटोन ए है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फोटोन ए हैज़ द ट्वाइस एनर्जी, यानी कि जो फोटोन ए है उसके पास फोटोन बी का दोगुना एनर्जी है, मींस के ई ए इज इक्वल टू टू ई वी, फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ। एच एफ से अच्छा हम निकाल लेते हैं लैम्डा की सेंस में, तो एच की जगह क्या आ जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा,
इधर क्या आ जाएगा, टू एच सी ओवर लैमडा, लेकिन ये लैमडा ए और ये लैमडा बी, इससे कट गया, इससे कट गया, तो इधर क्या बचा, लैमडा ए बाई लैमडा बी इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी कि लैमडा ए लैमडा बी इज इक्वल टू वन रेशो टू, लैमडा ए इज यानी कि लैमडा जो बी है वो टू टाइम्स ऑफ लैमडा वन होगा, ठीक है, हम इसे रेशियो में कह सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए मोमेंटम। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या था, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैमडा, यही था। तो अगर ये पार्टिकल ए है तो ये लैमडा ए, और अगर ये पार्टिकल बी है तो ये आ जाएगा एच ओवर बी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो इसको अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, लैम्डा बी इज इक्वल टू टू ऑफ लैम्डा ए, यही बन रहा है। आप ज़रा इधर पुट कर दें, इधर से देखें तो आप इसके अंदर पुट कर दें, तो पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा एच ओवर टू लैम्डा ऑफ ए, तो क्या वन ओवर टू कॉमन ले लें तो क्या बचता है, एच ओवर लैम्डा ए, एच ओवर लैम्डा ए किसके बराबर है, पी ए के बराबर, तो पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा वन ओवर टू इंटू पी ए, यही बनेगा, ये वाला ए के बराबर है, तो मैंने जस्ट इसकी वैल्यू को इधर पुट किया, तो पी बी इज इक्वल टू वन ओवर टू, तो यहाँ से आ जाएगा टू पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, या अब ये कह सकते हो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी इज इक्वल टू टू ओवर वन या टू रेशो वन, अगर रिवर्स करेंगे पी बी ओवर पी ए करेंगे तो वन रेशो टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए के लिहाज से रेशो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू बी, ए टू बी फाइंड करना है, यानी कि ए टू बी, तो ए टू बी टू रेशो वन आ जाएगा और पी बी टू ए आ जाएगा वन रेशो टू, ठीक है जी। तो बी ओवर वन, तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, वाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्प्टन इफेक्ट विद विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट के साथ हमें कॉम्प्टन इफेक्ट क्यों नहीं मिलता। अरे भैया, कॉम्प्टन काहे नहीं मिलता बे, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। उसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाई वी डोंट ऑब्जर्व कॉम्प्टन इफेक्ट विद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से कॉम्प्टन इफेक्ट क्यों नहीं मिलता। आपको पता है कि कॉम्प्टन इफेक्ट आपने जब भी लिया है, हमेशा कॉम्प्टन इफेक्ट आपको किसने दिया है, एक्सरेज ने दिया है, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर जाहिर सी बात है जो आंसर है फिर वो लिखते हैं। अच्छा, आपको पता है, ये स्पेक्ट्रम बना देता हूँ इधर दोबारा, स्पेक्ट्रम में इधर गैमा है, इधर एक्स है, इधर अल्ट्रावायलेट है, इधर विजिबल है, आईआर है, माइक्रो रेडियो, यही बनता है, ये हो गया साथ। अब आप बताओ, इधर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जिस साइड पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उस साइड पर एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है विजिबल की एनर्जी कम है और एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा है, इस इक्वेशन के मुताबिक इज इक्वल टू एच एफ लिख देते हैं। मैंने कहा यार, ये मेरे पास एक टेबल पड़ा है, इसको ज़रा खींचो तो सही। मैंने एक छोटी क्लास का बच्चा बुलाया, 3-4 का, मैंने कहा यार टेबल तो खींच। उसने कहा सर टेबल खींच लेता हूँ, कोशिश कर लूँगा, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं टेबल को खींच सकता हूँ, हाँ ट्राई कर सकता हूँ, मीन्स एनर्जी कम है। जो एक्स वाला बंदा है ना, एक्स रे वाला, वो बड़ा स्टूडेंट है, वो कहता है सर खींच भी लूँगा, जहाँ पर मतलब इधर खींच भी लूँगा और जहाँ पर कहोगे ले भी जाऊँगा, मीन्स किस पास एनर्जी ज़्यादा है। अब कॉम्प्टन इफेक्ट था क्या, कि ये आपके पास कोई भी टारगेट था, इधर आकर एक रे टकराती है, रे मीन इनमें से कोई भी, लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं होती तो एक्स है, तो वो इधर निकल जाती है और इधर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी कि आगे वाले को धक्का भी मार जाती है। अब हम कह सकते हैं कि विजिबल में शायद ये हो कि वो रे आए टक्कर मारे, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सारी की सारी दे दे, खुद ना बचे, ट्रांसफर कर दे अपनी एनर्जी, खुद ना बचे, तो ये वाला खत्म हो गया, और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ना हो कि वो अपने शैल या अपने पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हो, छोड़ सकता हो, ये भी ना हो। तो इसलिए हमें लगा कि ना इलेक्ट्रॉन निकला, ना वो पार्ट जो हमने रे भेजी थी वो निकली, तो हमने कभी इफेक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन एक्सरे के पास एनर्जी ज़्यादा है, वो कहता है जानी इतनी एनर्जी है कि तुझे भी टक्कर मार के निकाल सकता हूँ, और इतनी एनर्जी है कि तुम्हारे चुंगल से बच के भी जा सकता हूँ। तो वो हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी हमारे पास किसी रे की हो तो वो ये वाला इफेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को भी टक्कर मार सकती है और खुद भी वहाँ से निकल सकती है। वो किसके पास थी, एक्सरे के पास थी, तो इसलिए एक्सरे से ही सिर्फ हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट, इसके अलावा किससे कॉम्प्टन इफेक्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, बताएं भाई।
अगर आपको याद हो तो पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, फ्लां प्रोडक्शन, ढिमका प्रोडक्शन, तो इधर पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन ये थी कि एक फोटोन आया, बेचारा अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहा था, लेकिन वो हाई एनर्जी फोटोन था। वो फोटोन कौन सा था? गैमा था। असल में क्वेश्चन नंबर 18 में घुस रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। और इधर हमने रखा था एक न्यूक्लियस बाबा, तो जैसे ये इधर आया तो न्यूक्लियस बाबा फोटोन गायब हो गया और दो इक्वल मैसेज, इक्वल चार्जेस के पार्टिकल बन गए, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन आप रख सकते हो जिस मर्जी की। अब वो कहता है कि ये स्पेस में क्यों हो सकता है, स्पेस का मतलब है कि ये भाई ना हो, ये मतलब न्यूक्लियस भाई ना हो, तो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आप न्यूक्लियस की विसिनिटी में ये काम नहीं करवाओगे ना, तो पेयर प्रोडक्शन होगी नहीं। वजह मींस के नो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। इधर लिख देता हूं, नो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है, अच्छा अब क्यों नहीं हो सकता ये देखते हैं। देखें, ये इक्वल मैस का पार्टिकल ऊपर निकल रहा है और ये नीचे इक्वल मैस का पार्टिकल नीचे निकल रहा है, तो आपको अगर सर दोनों का मैस सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मास सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी में आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या चीज़ आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैसेज सेम है तो फिर मीन्स वेलोसिटी सेम है, अगर एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी सेम होने का मतलब यह है कि अगर वो ऊपर सेम वेलोसिटी से आ रहा है, नीचे वाला सेम वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका मोमेंटम पार्टिकल प्लस ई का और पार्टिकल माइनस ई का मोमेंटम, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। सेम मीन वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट आंसर जीरो। लेकिन अब यहाँ पर जब ये नया इफेक्ट बनना है, उससे पहले यानी इनके बनने से पहले मोमेंटम तो जीरो है ही नहीं, ये इधर निकल रहा है तो ये सीधा ही निकलता रहेगा, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसके मोमेंटम की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू भी है। अब इस साइड को भी क्या करना था, जीरो। उसके लिए हमने इधर भाई एक न्यूक्लियस को रख दिया, ये वैसे ही हो गया गन बुलेट, बुलेट आगे निकल गई चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर में, और गन पीछे रिकॉयल होगी। सेम हुआ क्या कि ये अंदर आगे की तरफ गया, ये इधर आया, लेकिन चूंकि ये बहुत स्मॉल है तो ये ज़्यादा स्पीड से इधर निकला, और ये बहुत बड़ा है साइज में इसकी निस्बत, तो ये हल्का सा इधर हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया और यहाँ पर नेट मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। लाइक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ओबे करने के लिए हमें यह सारा काम न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर ही करवाना पड़ेगा। न्यूक्लियस कहता है भाई जो भी काम करना है मेरी निगरानी में होगा, फिर ही आपका ये काम होगा, तो ये होगा। ठीक है, आगे, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर्म एनर्जी, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्वेश्चन नंबर 19 से ही मिलता जुलता है, तो यही डायग्राम आप इधर चिपका दोगे ऐसे। ठीक है, और चिपकाने के बाद आपको होगा कि क्या आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हो एनर्जी से, भाई नहीं कर सकते, भाई हमें माफ़ करें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि ये फोटोन है और फोटोन पे चार्ज कितना होता है, जीरो। तो जब ये एक बन गया तो इसके ऊपर अब चार्ज कितना होगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बना, लेट्स सपोज आप कहते हो कि भाई मैं इधर बना देता हूँ, आप कहते हो सर ये इधर से एक मस्त फोटोन आ रहा है अपनी ज़िंदगी जीते हुए, इधर एक न्यूक्लियस पड़ा और इधर एक इलेक्ट्रॉन बन गया जो कि इधर निकल गया, ये हो सकता है? उसने कहा सर देखो मोमेंटम ओबे हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है, अगर ये ना रखूं तो ओबे हो रहा है, लेकिन रखूं तो शायद ओबे नहीं होगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। अच्छा चलो सपोज कर लेते हैं मोमेंटम ओबे हो रहा है, लेकिन आप ये बताएं कि इधर चार्ज कितना है, जीरो, इधर चार्ज कितना है, वन। क्या जीरो कभी माइनस वन के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक और बंदा भी चाहिए जो इसका क्या हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, प्लस। अब ये ऐसे भी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब ये ऐसे बनेंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करवाने के लिए भी हमें कितनी चीज़ें चाहिए होंगी, दो चीज़ें चाहिए होंगी, इक्वल मैसेज और इक्वल चार्जेस की। तो अब जाकर मोमेंटम लॉ प्लस चार्ज कंजर्वेशन लॉ इज ओबेड। इसका मतलब है कि वी कैन नॉट क्रिएट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी या फ्रॉम वेव रे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ओह, अगर नोट करना था तो थोड़ा से सेकंड पहले पॉज करके नोट कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, चलें जी क्वेश्चन नंबर किस पे चलें, चले जैसे हवाएं गगन गगन ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव ओनली लाइक पार्टिकल, व्हाट पैटर्न वुड यू एक्सपेक्ट ऑन दी स्क्रीन आफ्टर दी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू दी डबल स्लिट।
चलो चेक करते हैं, डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट आ गया, मस्त सा एक्सपेरिमेंट। ये देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये देखो जी, ये हमारे पास ना दो स्लिट्स हैं, ये रही ये स्लिट्स हैं, यहाँ से वो चीज़ एंटर हो सकती है। और यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन मस्त अपनी स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये स्क्रीन थी, अभी स्क्रीन पर हुआ कुछ यूँ था कि इस स्क्रीन पर यहाँ पर आपने देखा था कि फ्रिंजिस का पैटर्न सा बन गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने बिहेव किया था एज अ वेव। लेकिन अगर सपोज करते हुए कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव ना करे, जस्ट ये अपने आप को पार्टिकल ही रखे, ये वेव वाले रोले में पड़े ही ना, इस लफड़े में जाए ही ना, तो अब बताएं कि स्क्रीन पर पैटर्न क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये दो स्लिट्स हैं, इधर से आप पानी फेंको, तो वो पानी सीधा स्लिट्स के इस जगह पर जहाँ जहाँ पर स्लिट होगी ना, सिर्फ वहाँ वहाँ पर लगेगा, ना इधर जाएगा ना इधर, क्योंकि ये बेंडिंग होना है और बेंडिंग होने का मतलब है डायफ्रेक्शन, और डायफ्रेक्शन कौन करती है? वेव। लेकिन हमने तो पार्टिकल कंसिडर करना है, अगर पार्टिकल कंसिडर करना है तो ये पार्टिकल बिहेवियर के अंदर रहते हुए सिर्फ इन स्लिट के सामने वाले एरिए पर जाकर लगेगा इधर, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट को सिर्फ इस जगह से वो डार्क करेगा, बाकी ये फ्रिंजिस का पैटर्न नहीं बनाएगा। तो ये वाला सिर्फ स्लिट के सामने वाला हिस्सा डार्क होगा और यही पैटर्न हमें स्क्रीन पर ऑब्जर्व होगा। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक ओनली दी पॉइंट्स ऑफ द स्क्रीन विच आर इन फ्रंट ऑफ डबल स्लिट्स, या उन स्लिट्स के सामने जो सिर्फ पॉइंट होगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर जाकर स्ट्राइक करेगा, इसके अलावा स्ट्राइक नहीं करेगा। 22 क्वेश्चन, अच्छा, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। अच्छा, वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लो जी इलेक्ट्रॉन का मैस लिख देता हूँ 9.1 इन 10^-31 kg, और प्रोटोन का मैस लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10^ कितना था, -27 kg, ठीक है जी। तो ये इसका है, वो उसका है, मुझे बताओ किसका मैस ज़्यादा। तो आपको कहा सर जाहिर सी बात है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मैस ऑफ प्रोटोन, यही बनता है। तो अब वो कहता है कि आपने बताना है विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। यार ये इसका आंसर तो डी ब्रोगली के अलावा भी हमें एक जगह से मिलता है, खैर उसको छोड़ देते हैं। और ब्रोगली की वेवलेंथ क्या है, इनकी सेम है, तो फार्मूला हमारे पास है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। तो वेवलेंथ सेम है, तो अब ज़रा इधर देख लेते हैं, क्या इसी इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, एम एच वी लैम्डा, ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है एम इज यूनिवर्सली टू वेलोसिटी, इसका मतलब है जिसका मैस ज़्यादा हो उसकी वेलोसिटी कम होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अरे यार यहाँ से नहीं भी समझ आ रहा, तो ये देख लो भाई, ये इससे पहले बाबा न्यूटन ने भी क्लियर कर दिया था कि भाई मैस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, यानी कि जो मोटा बंदा है वो स्लो चलता है, सेम वही कहानी है। तो जो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन हमने चूंकि डी ब्रोगली से करना है तो इसलिए हम ऊपर वाले फार्मूले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो फिर किसका मैस ज़्यादा है, प्रोटॉन का, तो ये स्लो चलेगा, किसका मैस कम, इलेक्ट्रॉन का, तो ये स्पीड से चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देख लें जी। अच्छा, वी डू नॉट नोटिस दी डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल एक्सप्लेन बाय, लो भाई मुझे बताओ क्रिकेट बॉल का मैस कितना होता है। उसने कहा सर वो अंडा होता है, सपोज कर लें वो अंडा होता है जी 100 ग्राम का, 100 ग्राम होता है जी 0.1 kg, ठीक है। अब वो कहता है कि हम इस अंडे से बनने वाली जो वेव है वो क्यों नहीं नोटिस करते, इनसे बनने वाली वेव तो नोटिस हो जाती है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमने देखी, लेकिन इधर इसकी क्यों नहीं होती। तो फार्मूला इसका लिखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो मैस ज़्यादा हो तो लैम्डा क्या होगा, कम। तो इस क्रिकेट पिच बॉल का मैस कितना है, 10^ में लिखूँ जरा, 10^-1 kg, ये कितना है, -31। तो मैस कम लैम्डा ज़्यादा, मैस ज़्यादा तो लैम्डा कम, तो इसका मतलब है इट्स वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट। इसका मतलब है कि वेवलेंथ तो बनती है लेकिन हमसे डिटेक्ट नहीं हो पाते, कोई मशीन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है इसका। वो फिर आंसर इसका प्रॉपर क्या बना कि ड्यू टू लार्ज मैस इट हैज वेरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 पे।
24, 25, 26, 27 हैं जी। इफ़ द पार्टिकल इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी विच एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, तो इनकी एनर्जी सेम है तो आपने बताना कि किसकी सबसे कम क्या होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो आपने बताना है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा वाला पार्टिकल, ठीक है, लैम्डा वाला पार्टिकल है जी, शॉर्टेस्ट लैम्डा वाला पार्टिकल। लो भाई तो फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू ओ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है, एम वी इज इक्वल टू टू एम ई वी, और क्या आपने पढ़ा है कि जो ई वी होता है डब्ल्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू का दूसरा नाम इनर्जी होता है, क्या आप इस एम वी इज इक्वल टू इसमें लिख सकते हैं टू एम ई, क्या यही चीज़ इधर आप पुट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या देगा एच ओवर अंडर रूट टू एम ई। क्वेश्चन में पढ़ें ज़रा, क्वेश्चन में वो कहता है कि इन सब भाई सोब की क्या एनर्जी सेम है, तो अब आपने बताना है कि लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एच ये वैसे ही रहेगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या एच ओवर अंडर रूट टू ई, चूँकि ये सबकी सेम है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो आगे लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई, इधर कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वन ओवर अंडर रूट m, तो लैम्डा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। अब आपने बताना कि किसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, तो अब आप बताएं कौन कौन से हैं अभी, अल्फा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो किधर लिखें जी, अल्फा उससे कम फिर आ जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को तो मैं n से ज़ाहिर कर रहा हूँ, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि सबसे ज़्यादा मास अल्फा का तो अल्फा की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, फिर न्यूट्रॉन का मास है फिर उसकी हो जाएगी, फिर प्रोटॉन का फिर उसकी, और सबसे कम मास किसका इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हल हो गया। तो इनमें फार्मूले बस वो तीन चार फार्मूले उनका आप यूज़ करते हो तो सारे ये सवाल हल होते जाते हैं। अच्छा, व्हेन डज लाइट बिहेव एज वेव एंड व्हेन डज इट बिहेव एज पार्टिकल, ठीक है, अब लाइट वेव नेचर बता दें और पार्टिकल नेचर, ठीक है, तो लाइट वेव कब बिहेव करती है, जब इंटरफेरेंस हुई, रिफ्लेक्शन हुई या रिफ्रैक्शन हुई और डाइफ्रैक्शन हुई, ठीक है, अब ये कब होगी, वाइल प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट जब क्या कर रही होती है प्रोपागेशन, तो ये बिहेवियर देती है कैसा, ये एज अ वेव का, ठीक है, वेव नेचर शो करवाती है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन्स इफेक्ट, इनमें लाइट बिहेव करती है एज पार्टिकल, कब, व्हेन हैविंग इंट्रैक्शन विद पार्टिकल्स, इसका मतलब है जब ये पार्टिकल से पंगेबाजी करती है तो ये खुद अपने आप को पार्टिकल बना दी, यानी कि किसी मैटर के साथ, अब जाहिर सी बात है मैटर पार्टिकल होता है, ठीक है, तो जब ये मैटर के साथ इंट्रैक्शन करती है विद पार्टिकल, ये आप नीचे लिख सकते हो मैटर, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, अक्सर मैटर लिखा होता है, जब ये मैटर के साथ इंट्रैक्शन करने लगते हैं तो ये अपने आप को कहते हैं जानी मैं तेरी नेचर हूँ पार्टिकल हूँ, लेकिन जब ये जा रही होती है तो ये मुकर जाता है, ये कहते नहीं मैं तो वेव हूँ मैं तो उड़ के जाऊँगी, तो ये क्या बन जाती है, वेव, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा रेजोल्यूशन वाला, आर इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 10 आई थिंक फर्स्ट ईयर का 1.22 डी ओवर लैम्डा, तो इस फार्मूला के मुताबिक ये रेजोल्यूशन पावर है, ये किसके बराबर है, यूनिवर्सली टू लैम्डा, इसका मतलब है लैम्डा ज़्यादा होगा तो रेजोल्यूशन कम होगा, लैम्डा कम होगा तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अच्छा, वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई पार्टिकल पड़ा है, ये लो
ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल पड़ा है, अगर कोई भी चीज मुझे तब नजर आती है अगर वो लाइट उससे टकराकर मेरी आंख तक पहुंचती है, ठीक है। तो अगर ये मैंने इधर से लाइट भेजी, ये छोटा सा पार्टिकल था तो लाइट की वेवलेंथ थोड़ी बड़ी है, तो लाइट इसे टकराई नहीं क्योंकि ये तो छोटा सा है, इसको ऊपर से गुजर गया, नीचे से गुजर गया, जब टकराई नहीं तो मेरी आंख तक आई नहीं, जब आंख तक आई नहीं तो वो मुझे पार्टिकल नजर नहीं आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि अब आप देखें कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसकी जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से बहुत जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, इस लाइट से क्या है कम है। अब लाइट से जब कम होगी तो अल्टीमेटली वो उस छोटे से पार्टिकल के साथ क्या करेगी, इतनी छोटी सी है, सॉरी ये पार्टिकल जरा उतना ही बना ले, ये पार्टिकल बन गया तो ये वेवलेंथ छोटी सी है, ये टकराई टकराकर आ सकती है, यानी कि ये कोई चीज़ तब नजर आएगी क्योंकि ये वेवलेंथ छोटी है, तो रेजोल्यूशन पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ बनती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो स्मॉल है, तो इसलिए वो चीज़ हमें इजीली नजर आ सकती है, यानी कि जो चीज़ें इधर माइक्रो लेवल पर होती हैं वो इधर नैनो लेवल पर भी हमें नज़र आ सकती हैं, इसलिए ये एडवांटेज मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का। लास्ट क्वेश्चन है जी 27। इफ मेजरमेंट शो प्रीसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन दोज मेजरमेंट शोज प्रीसाइज मोमेंटम आल्सो, ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास था डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, ठीक है, या एच भी कहते हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, यूं कह सकते हैं से, तो ये क्या आ जाएगा, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या था, ये कहता है कि अगर पोजीशन सही मेजर में हो गई तो मोमेंटम नहीं सही पता लगेगा, और मोमेंटम सही पता लग गया तो पोजीशन सही नहीं पता लगेगी। एग्जांपल आपको बता देता हूँ सिंपल सी, लेट्स सपोज ये चार्ज है, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन, इसका शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से आपने क्या फेंकी, इधर आप दूर थे, आपने एक रे फेंकी, ये जी रे आ रही है, अगर तो इस रे के पास आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन यहाँ पर जल्दी मेजर हो, तो इसका मतलब ये रे बड़ी स्पीड से जाए, और स्पीड से टकरा कर आए, या यूँ जाए यूँ आ जाए, तो जब ये बड़ी स्पीड से जाएगी तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, जब हाई एनर्जी होगी तो ये टकरा कर वापस आएगी, तो आपने पोजीशन तो सही मेजर कर ली, लेकिन चूंकि हाई एनर्जी है तो ये मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी कुछ ना कुछ, जब ये मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो इसका अपना असली मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, ओ यार इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अल्टर हो जाएगा, इसका असली मोमेंटम जो हो जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो यार इसका मोमेंटम अल्टर ना हो, मेरे मोमेंटम सही, तो आपने क्या किया, आपने बड़ी स्लो स्पीड वाली फेंकी, यानी कि लो एनर्जी वाली फेंकी, तो उसने ये तो बता दिया कि इसका मोमेंटम कितना, लेकिन चूंकि ये उतनी देर में इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया तो उससे जो पोजीशन मिलेगी वो आपको सही नहीं मिलेगी, यानी कि इन दोनों का हासिल दर बराबर हो सकता है, एच कट के इससे हमेशा बड़ा होगा, आप एग्जैक्टली ना मोमेंटम और ना पोजीशन एट अ सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। ये किसका प्रिंसिपल है, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके मुताबिक ना पोजीशन सही मेजर हो सकती है अगर मोमेंटम सही मेजर हो गया, और अगर मोमेंटम सही मेजर हो गया तो पोजीशन सही मेजर नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये थे आपके चैप्टर नंबर 19 के 27 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक वीडियो पहले आ गया, ये दूसरी वीडियो है, और पहली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू।